शामिल करें। लकी मरवत में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प जारी है। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला भी जारी है और दोनों बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झड़प में डीएसपी की गाड़ी रॉकेट लगने से जलकर राख हो गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला बेदस्तूर जारी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल्लाह से। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, दरिया कुरम के किनारे एहसानपुर के मकाम पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने पुलिस मोबाइल वैन पर रॉकेट से हमला किया है, जिसमें गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और इसको आग लग गई है। पुलिस ने हमलावरों के साथ फायरिंग का तबादला किया है, जो कि अभी तक जारी है। हमलावरों ने पुलिस पर भारी हथियारों के साथ फायरिंग की है। पुलिस की जानिब से किसी का किस्म के अभी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने दरियाकुरम के किनारे जंगल को भी आग लगा दी है। आग के शोले दूर दूर से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं वाजे करता चलूं कि गुज़िश्ता दो महीनों से लकी मरवत में अमन अमान की सूरत हाल काफी कशीदा है और पुलिस पर मुसलसल होने वाले हमलों में अभी तक 15 पुलिस अहलकार शहीद हो चुके हैं। जी ठीक है इरफानुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।